नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेज हिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बाल विकास तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो लगभग 30 क्वेश्चन है और आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे काफ़ी उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ वीडियो। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, बाल विकास से तात्पर्य है केवल बालकों का विकास, केवल बालिकाओं का विकास, बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास, बच्चों के माता पिता के लालन पालन में रुचि का विकास। तो आपका जो इसका आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर सी विकल्प सही होगा, बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दो, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर बी विकल्प सही होगा आपका, वाटसन के अनुसार। ठीक है, बी विकल्प सही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सही होगा सी, सी विकल्प आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे, विकास इनका उत्पाद होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा सी, अधिगम तथा परिपक्व का। ठीक है, सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पाँच, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो पाँचवें का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 6 वर्ष। कितने साल में? 6 वर्ष में, ये विकल्प आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें ऐसी विधि है जिसमें हर प्रकार के शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, तो बी विकल्प आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा जेम्स। कौन सा आंसर सही होगा? बी विकल्प आपका सही होगा। किसके द्वारा लिखी गई है? ये जेम्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है 8, तो उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ए विकल्प आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मूल्यांकन की नहीं है? तो 9 का जो सही आंसर होगा सर्वे परीक्षण। ठीक है, सी विकल्प आपका सही आंसर होगा। ठीक, सी विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वुड को। किसको कहा जाता है? वुड को। बी विकल्प आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का सबसे पहला शिक्षक माता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? उसे घुटनों के बल दौड़ना सिखाना चाहिए या उसे दीवार के सहारे खड़ा करना चाहिए, उसके आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए, उसे पहिए वाली गाड़ी के सहारे चलना होगा? तो इसका जो सही आंसर है सी विकल्प आपका सही आंसर है। साथियों, उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संज्ञानात्मक कार्यविधि, मानव परिकता। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ए विकल्प इसका सही आंसर होगा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? अपनी क्षुधा शांत करता है, पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है, प्यार प्राप्त करता है, नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। तो आपका सही आंसर इसका बी सही होगा। ठीक है, बी विकल्प सही आंसर होगा, पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं क्योंकि
तो इसका जो सही आंसर होगा डी सही होगा। शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो डी विकल्प सही होगा। ठीक है, डी विकल्प सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है, क्यों? कि दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदेश संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। बालिकाएं तेजी से सीखती हैं, बालक तेजी से सीखते हैं, पारिवारिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। तो आपका सही आंसर होगा ए विकल्प सही होगा, दोनों का शारीरिक एवं मानसिक प्रकृति प्रदेश संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। तो आपका ए विकल्प सही आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प, आपका सही आंसर होगा वुड। ठीक है, ए विकल्प आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शारीरिक तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी विकल्प, आपका सही होगा। बच्चे का मनोविक्षण कराकर शारीरिक एवं मानसिक विकास की विसंगति दूर करने का प्रयास किया जाता है। डी विकल्प आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो आपका जो सही आंसर होगा 19 का सही भी आंसर होगा कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे किया गया? कलकत्ता में किया गया, जो आपका सी विकल्प आपका सही है। कलकत्ता में किया गया, सी विकल्प आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि और मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तन का क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, जो सही इसका आंसर है पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। इसका ए विकल्प सही आंसर है, ए विकल्प सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण प्रस्तुत किया, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार को विश्लेषित किया, शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर बी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यदि कोई बच्चा अपनी बैग के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह किसका प्रभाव होगा? माता पिता के गुणसूत्रों का, पारिवारिक परिवेश एवं लालन पालन का, अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रवृत्त होती है, असमान बच्चा माना जाएगा। तो सही आंसर इसका होगा सी विकल्प, आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। मित्रों, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा साथ साथ, और आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। और इसका अगला प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट दिन। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मिल्टन की यह उक्ति के बचपन की विकास प्रक्रिया मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जैसे से वह पूरा दिन की स्थिति का संज्ञान देती है का तात्पर्य पर है। तो 23 का जो सही आंसर है आपका वो है डी, डी विकल्प आपका सही आंसर है। प्रारंभिक जीवन के गुण परिस्थितियां एवं पर्यावरण भावी जीवन की गति निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? एन सेन गुप्ता ने, सी एस बोस ने, ए एन चटर्जी ने, बी एन बनर्जी ने। तो किसने किया था? आपका जो सही आंसर है 24 का सही आंसर ए है आपका, ए एन सेन गुप्ता ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। समाजीकरण करके पहली सर्वप्रथम संस्था है घर, मंदिर, विद्यालय, मंत्रिमंडली। तो आपका जो इसका सही आंसर है 25 का सही आंसर ए होगा, घर। क्या होगा? घर, ए विकल्प आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र के बच्चों को सीखने के लिए कौन सी विधि या सर्वाधिक उपयोगी होगी? पुस्तकों में बने चित्रों की पहचान करा करके, भौतिक रूप से उस प्रकार की वस्तुओं को दिखाकर, मॉडल पद्धति द्वारा बच्चे के उन चीज़ों को प्रदर्शन करके, परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा, लेख द्वारा, खेल में सिखाना। तो 26 का जो सही आंसर होगा
वो होगा आपका डी विकल्प सही होगा, परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल में सिखाना। 26 का आंसर सही क्या होगा, डी आंसर सही होगा इसका, 26 का डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, थर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक शक्ति सिद्धांत, विधि शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत, द्विशक्ति सिद्धांत, तो कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा आपका सी, बहुशक्ति सिद्धांत, सी विकल्प आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता पर पहुँचता है, शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में, तो किस पे पहुँचता है, तो किशोरावस्था में, डी विकल्प आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बच्चों को कार्टून द्वारा सिखाए जाने में आसानी क्यों महसूस होती है, बच्चे के अंतर्गत सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है, बच्चा कार्टून के उछलने बोलने या कार्य करने का चित्र देखकर अपने से तदात्म महसूस करता है, अतः जल्दी सीख जाता है, कार्टून मजेदार होते हैं, कार्टून में प्रेरित चित्र बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो आपका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, बच्चे को ड्राइंग और पेंटिंग तथा कलरिंग से सीखने में क्यों आसानी होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प सही आंसर होगा इसका, ड्राइंग पेंटिंग कलरिंग बच्चा अपनी कल्पना के अनुसार बनाता है, अतः उसकी समझ में ऐसी बातें ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।